हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपको काफी इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूं। इसके बाद सबसे पहले बता देता हूं कि जो कल कोर्ट में तारीख थी एमसीडी पीआरटी का जो केस था, उसके बारे में कुछ बता देता हूं। तो साथियों, अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, रास्ता साफ है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि तारीख दे दी आगे। साथियों, उस पर जो कोर्ट ने कुछ फोकस ही नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं, जो केस था उस पर कोई फोकस ही नहीं हुआ, आगे की तारीख दे दी। अगर उस केस में कुछ दम होता तो उस पर विचार किया जाता, तो क्या है कि उस केस में इतना कोई दम है नहीं। और रही बात अगर कुछ क्वेश्चन भी है तो डीएसएसबी के पास सभी के जवाब है। मैं ये नहीं चाहता कि 30 वाले साथियों का नुकसान हो, मैं ये चाहता हूं कि उनको जरूर बेनिफिट मिले। इसके बाद जो केस है 1-2 तारीख में जहां तक है क्लियर हो जाएगा, और ना भी हो तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताता आ रहा हूं कि केस का कोई ज्यादा फर्क है नहीं, केस का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। इसके बाद साथियों बात करते हैं, डीएसएसबी ने पिछले 1-2 दिन में कुछ रिजल्ट रिलीज किए हैं। वो कौन से रिजल्ट हैं, अगर आपने नहीं देखे मैं बता देता हूं। टीजीटी उर्दू मेल, और इसके बाद सोशियोलॉजी, जो पीजीटी सोशियोलॉजी है उसके रिजल्ट आ चुके हैं। इससे पहले भी काफी रिजल्ट आए हैं। तो साथियों, अच्छी बात यह है कि टीजीटी के जो रिजल्ट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और मिड फेब तक आपके पीआरटी के भी रिजल्ट आ जाएंगे। और काफी साथियों के क्वेश्चन थे कि एनटीटी के बारे में नहीं बोला जाता, तो साथियों एनटीटी के रिजल्ट भी पीआरटी के आसपास ही आएंगे, आप टेंशन ना लें। और एनटीटी पे तो कोई केस भी नहीं है, उनका तो बड़े आराम से आ जाएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और स्पेशल वालों की बात रही तो स्पेशल वालों को ज्वाइनिंग डीएसएसबी किसी भी दिन दे सकता है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो किसी भी दिन आ सकता है, और फिर इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों, इसके बाद एक बात चल रही है अभी केवीएस पीआरटी के बारे में कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, जो मतलब कट ऑफ आएगी कब तक आएगी। तो साथियों, जो कट ऑफ की बात मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ लगभग 15 से 20 दिन का आप टाइम लगा लो। हालांकि अभी एक न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया पे कि 27 से 30 के बीच में कुछ ऐसे जनवरी के बीच में आ जाएगा, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और आ जाता है तो अच्छी बात है, और आएगा भी, तो आप टेंशन ना लें। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी न्यूज आपको यहां पर जेन्युइन मिलेंगी, कोई फेक न्यूज नहीं मिलेगी। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।